उन तमाम साथियों का जो इस आंदोलन में हमारे साथ है, और हमारी उन महिलाओं और माओ और बहनों का जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। सबसे पहले मैं इन तमाम माओ और बहनों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ, और साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि छात्रों ने इस काले कानून के खिलाफ जो एक आवाज खड़ी की थी, इस काले कानून के खिलाफ जो एक बुगल बजाया था, आज हमारे प्रोटेस्ट का 45 दिनों में उत्तर हो चुका है। और हमारे प्रोटेस्ट को देखते हुए जिस तरह यूपी में जो एजुटेशन शुरू हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग वहाँ शहीद हुए, और आसाम में इस काले कानून के खिलाफ जो 5 शहादत हुई, और कर्नाटक में जो 2 लोगों की मौत हुई, टोटल 30 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है, तो हम इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इस काले कानून के खिलाफ इस संविधान को बचाने के लिए जिन जिन भी लोगों की जान गई है, जिन जिन भी लोगों की शहादत हुई है, और बेकार नहीं जाएगी। और उन्होंने हमने ये कहा है, जिन लोगों की इस आंदोलन में शहादत हुई है, तो हमारा फर्ज है, हमारा उन पे कर्ज यह है कि हमें इस आंदोलन को तब तक जारी रखना है जब तक सीए एनआरसी एनपीआर वापस नहीं हो जाता। दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, कल 26 जनवरी है, और कल हम 71 रिपब्लिक की हम सेलिब्रेट करेंगे। साथियों, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने हमको एक संविधान दिया, ऐसा संविधान जिसमें भारत के तमाम देशवासी एक ही लोग, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो सावला हो, सबको आर्टिकल 14 के तहत समानता दे दी। और इस तरह से इस देश पर जो अत्याचार का जो हुआ था, उसको बाबा साहब संविधान ने, राष्ट्रपति जो इस देश का सर्वप्रथम नागरिक होता है, उससे लेकर 130 करोड़ की जो आबादी देश के सरकार में खड़े हुए आखिरी वक्त आखिरी सबको भी एक ही समान, एक ही कानून, यानी सबको बराबर करार दिया। हमारी जो है लड़ाई संविधान बचाने की, आर्टिकल 21 की है, तो हमको ये जानना होगा कि बाबा साहब ने जो संविधान हमें 71 साल पहले दिया था, जो कल हम 71 रिपब्लिक को बनाएंगे, तो हमको ये हिसाब करना होगा, हम ये प्लेस लेंगे, हमको ये आहद करना होगा कि कल जब हम रिपब्लिक को सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सोशल मीडिया पे, आप लोग संविधान का प्रीएम्बल, उसकी प्रस्तावना पे, जो भी जिस भाषा में, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में, आप लोग उसको पढ़ेंगे और उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसको अपडेट करेंगे, ताकि संविधान तोड़ने वालों को, जो संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति पर पुलिस कर दिया है, जिनका काम सिर्फ मनुस्मृति है, जिन्होंने रामलीला मैदान में संविधान को खुलेआम चलाया, तो जो गांधी को नहीं मानते, तो छोटे को मानने वाला है, उनको हमको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और हम इस तरह करेंगे, हम प्रीएम्बल पढ़कर और अपने घरों में झंडा फहराकर उनको हम कानून देंगे, संविधान बचाने के लिए हम अपनी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रखेंगे। मेरी माँ और बहनों, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो सांसद आवारा हो जाता है, 330 सीट कर जीत कर बीजेपी हुकूमत जब इस सरकार में आई, तो उन्होंने पहले ही सेशन से इस संविधान की धज्जियां उड़ाना शुरू। सबसे पहले उन्होंने तिरपन तलाक का कानून लाया और उन्होंने आर्टिकल बन गया, उसमें अगर कोई हिंदू पुरुष अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको 1 साल की सजा, और अगर कोई मुस्लिम देता है तो उसको 30 साल का प्रावधान। जो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तिरपन तलाक को ये कहा कि एक
मरतबा तीन तलाक देने से नन अनवायल का उसको माना नहीं जाएगा। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 370 कश्मीर से स्टेटस हटाकर जिसमें संविधान में लिखा था कि अगर आपको हटाना है तो सबसे पहले आपको वहाँ की जो असेंबली है वहाँ से आपको पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से पास कराएंगे। उन्होंने इस असेंबली को जम्मू कश्मीर असेंबली को भंग करके और वहाँ के गवर्नर का स्पेशल पावर यूज करके उन्होंने आर्टिकल 370 का एडवोकेट किया जो कि असंवैधानिक था। मेरी पावर बहनों, हमने इस बात को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बार बार जो संविधान का जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करने का जो कानून बनाया जा रहा है, जो कोशिश की जा रही है, तो हमारी माए और बहने ये कह रही है, देश के शाहीन बाग की ओर से कह रही है, चाहे पटना में सब्जी बाग हो, चाहे प्रयागराज की ओर से हो, चाहे कानपुर की ओर से हो, चाहे हमारे लखनऊ घंटाघर की महिला हो, और ये कह रही है कि हम आपके मनुस्मृति कानून को एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि आपका ये कानून संविधान के खिलाफ है। ये किस तरह खिलाफ है? ये कहते हैं किसी है, ये नागरिकता देने का काम है, नागरिकता छीनने का काम नहीं है, और ये देश के लोगों के लिए कानून भी है। साथियों, कानून देने का काम इससे पहले हमारे देश में भी पहले था, जय अग्राम स्वामी को कानून के तौर पर भारत को नागरिकता दी गई, लेकिन उससे पहले एक आक्षेप था कि अगर कोई आवेदन करता है तो उसको 11 साल के बाद इस देश का नागरिक माना जाएगा, और उसमें कोई भी चाहे वो हिंदू ले लो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, सबको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन साथियों, उन्होंने अपने चाल के तौर आरएसएस का मंसूबा जो 1925 से आए कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन्होंने इसकी पहली शुरुआत की है, और ये जो शुरुआत की है उन्होंने पहली यही पर हमको उनका हिंदुस्तान को कामयाब नहीं जाने होने देंगे। साथियों, जो इन्होंने बिल लाया इसमें जोरों शोर से कहा जा रहा है कि पर हिंदू का कहना, लेकिन आप लोग जब इस बिल को पढ़ेंगे तो उनमें कहीं नहीं लिखा है कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो परसिक्यूटर मनाती है, बल्कि उनमें यह लिखा है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले शख्स को हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और पारसी को नागरिकता देंगे, जो 21 दिसंबर 2014 से उन्होंने परसिक्यूटर का इस्तेमाल नहीं हुआ। और उसी टेबल पर एनआरसी की बात करने वाले अपनी बात से मुकर रहे हैं कि हमारे पदर से करने की जाके बीजेपी को एक कदम पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन पावर बहनों, एनआरसी के बजाय उन्होंने एनपीआर कराया। आप लोग जानना पड़ेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, ये उस वक्त का है जब इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। नागरिकता संशोधन 1955 का है, जब उसमें बदलाव किया गया 2003 में, तो उसमें एनपीआर बुलाया गया और उसमें कहा गया कि एनआरसी के लिए एनपीआर का होना जरूरी है और उसके लिए पहला कदम है। लेकिन 2014 में वाजपेयी हुकूमत जाने के बाद यूपीए 1 की सरकार बने, यूपीए 2 मनमोहन सरकार बनी, उसके बाद 2010 में पहला एनपीआर हुआ, लेकिन मनमोहन सरकार ने उस एनपीआर को सिटीजनशिप से नहीं जोड़ा, बल्कि उसमें यह कहा गया कि एनपीआर इस तरह से किया जाएगा कि जो शख्स चाहे यहाँ का हो, चाहे वो फॉरेन से पढ़ने आया हो, अगर वो पिछले 6 महीने से रह रहा है या आगे के 6 महीने तक रहता है, तो उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथियों, आज एनपीआर का जुलूस देखे, आज जब देश की जीडीपी जो कभी 9% हुआ करती थी, आज वो जीडीपी 4.4 है, आज इम्प्लॉयमेंट 50 सालों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में हो रही है, क्राइम कैपिटल में हमारे महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सरकार करने में नाकाम हो रही है कि एनआरसी एनपीआर का सोता लाकर इस मुद्दे को उन्होंने बताने के लिए किस सीए का ढोंग रखे। आप एनपीआर का देख करके उसमें यह पूछा जा रहा है
किस्मत को आप कॉलम पढ़ेंगे, कॉलम तेरा कॉलम चौदह में ये है कि आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए और आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट क्या है। साथियों, मैं ऐसे जगह से ताल्लुक रखता हूँ, बॉर्डर एरिया है, हमारे यहाँ बहुत सी माँ और बहनों की शादियाँ नेपाल में होती है। मेरी माँ का नेपाल किया है तो उसका जन्म स्थान नेपाल किया जाएगा, क्योंकि मेरी माँ की जो पैदाइश हुई जो नेपाल में हुई उनकी शादी इंडिया में हुई तो उनको नेपाल किया जाएगा। और उस अधिकारी को एक प्यार होगा इंतजार करने वाले को, अगर उसको इंतजार करने के बाद अगर उसको किसी में डाउट आए तो उसको डाउट को सिटी का भी किया जाएगा और एनआरसी के बाद उसको ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा और उस अधिकारी के पास उसको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बार बार दौड़ना पड़ेगा। उसी एनपीआर के कारण में लिखा गया है कि अगर आप अधिकारी के पास अपना प्रूफ कर दिया मैं इसका सिटीजन हूँ, लेकिन अगर आपके गांव के दो लोग या आप जहाँ रोजगार कर रहे हैं अगर दो लोगों ने फिर से कलेक्टर किया कि मुझे इस पर फिर से सफा है तो आपको फिर से अपनी नागरिकता प्रूफ करने के लिए आपको साथियों एनपीआर एनआरसी है हमारे देश के लिए इतना ही खतरनाक है, क्योंकि आज ये सरकार कहती है लेकिन यही सरकार हमारे पेट्रोलियर का पैसा एनआरसी करने के नाम पर जो 3 करोड़ की आबादी आसाम के स्टेट में उसको एनआरसी करने के लिए जो आसाम में 1985 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो मॉनिटर में जो एनआरसी हुई 3 करोड़ के लिए उसको 1200 करोड़ खरीदना करना पड़ा। तो आपको समझना होगा 1 अरब 30 करोड़ की एनआरसी करने के लिए कितना करोड़ खर्च करना पड़ेगा जो हमारे और आपके पैर का पैसा। तो आप लोग हमारा और आपका टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद होने देंगे, आप बर्बाद होने देंगे, आप एनआरसी में अपना काम दिखाएंगे। साथियों, आज के बाद पब्लिक एजुकेशन के पास पैसा नहीं है, ये जहाज खरीदने के लिए पैसा है ताकि वो अपने गुजरात का देश का भ्रमण कर सके। साथियों, हमारी यह संविधान बचाने की लड़ाई काफी लंबा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो 5 हफ्ते का जो वक्त दिया है उसमें यह कहा गया है जो सरकार की सुनवाई ने हम संविधान में लिखा होने देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट 5 या 7 जगह की बेंच बना दिया है तो हमको फिर डेढ़ महीने का टाइम दे दिया जाएगा। लेकिन हमारी माया बहन कह रही है आप हमें 1.5 महीने डेढ़ साल का टाइम दे दीजिए, इस काले कानून को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए हम सबको तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं अपनी माँ और बहनों का शुक्रगुजार हूँ और जामिया के छात्र छात्राओं का जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया है जो इसका मुस्तैक है, और मैं कहना चाहता हूँ मुझे अपनी माँ और बहनों से उम्मीद है कि अपनी लड़ाई आप तब तक जारी रखेंगे जब तक इस काला कानून का धन्यवाद।